पहले भी अब ये बताते रहे हैं, महज इंतकाम लिया गया है। आप ये देखें कि डस्का में ज़िमनी इलेक्शन शुरू हुआ है तो हमारे इलेक्टेड MNA अरमगान सुबहानी साहब को एहतसाब का बुलावा आ गया है, और उसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में उनको रोकने से है, और क्या हो सकता है इसके अलावा। तो इतना मैं समझता हूँ बुरे तरीके से एहतसाबी अमल एक्सपोज हुआ है कि इसके बाद किसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो ये सारा एहतसाब जो है ये पाकिस्तान में अपोजिशन के लिए है, और जब ये जादू का महल गिरेगा उसके मलबे के नीचे ये एहतसाब भी गिरेगा। सर, मुल्क की सियासी सूरतेहाल पर क्या कहेंगे? PDM की अब तक की जितनी भी मोबिलाइजेशन रही, आप समझते हैं कि हुकूमत बंद गली की तरफ जा रही है या PDM जा रही है? अपोजिशन जो है उसने बंद गली में इसलिए जाना नहीं होता कि अपोजिशन तो पहले ही ज़मीन पर होती है, आसमान पर हुकूमत होती है जाती नहीं है, क्योंकि वो खड़ी ज़मीन पर होती है, गिरना उसने होता है जो ऊपर चढ़ा होता है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये ऑब्वियसली इसको इसका नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने जब मुकालमे का वक्त था उसको ज़ाया कर दिया, तो अब मुकालमे का वक्त तो शायद बाकी बचा नहीं है। 2017 में तो अपोजिशन बंद गली में चली गई थी और गवर्नमेंट कामयाब रही थी, अब क्या समझते हैं? मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका। इमरान खान साहब का धरना और सारी चीज़ 2014 में, तो उसका भी नुकसान तो हुआ था ना। अच्छा, वो सारा एक प्लान का हिस्सा था वो धरना, जिसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत और उनकी जो वजारत उज़्मा थी उनसे वापस ली गई थी, तो उस मंसूबे का वो हिस्सा। जैसे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से क्या कहेंगे, समझते हैं कि वो फैसला आ जाएगा? आप समझते हैं कि जो आप लोगों ने खसूसन इस्लामाबाद में ECP के सामने धरना दिया, एहतजाज किया है, तो अब उन पर कोई प्रेशर बिल्ट अप हुआ है? इसमें ऐड कर लीजिएगा कि कल PM ने कहा है कि हम लाइव कवरेज करवाना चाहते हैं, PML भी वहां पर मौजूद हो, पीपल्स पार्टी भी हो, मौलाना फजल उरहमान भी हो, आप एग्री करते हैं कि इसको लाइव कवरेज होनी चाहिए? ये अब वज़ीर आज़म साहब को याद आया कि लाइव कवरेज, और 6 साल से वो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए हैं, और वो जो अकबर बाबर साहब हैं जो उनके फाउंडर मेंबर हैं PTI के, उनकी आवाज़ को वो सुनने नहीं देते, अदारों को दबाव में लेते हैं, अपने वकला खड़े करके मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, ये सिर्फ काउंटर करने के लिए दिया ना, ये अब याद आया था उनको कुछ अर्सा पहले, आज उन्हें लाइव कवरेज याद आ गया, तो ये शौक भी पूरा कर लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, और अगर फॉरेन फंडिंग केस पे वाज़े तरीन जो सबूत हैं और शवाहिद हैं उसके बावजूद भी फैसला नहीं आता, तो फिर आगे अगर आइंदा मुल्क में इलेक्शन भी इसी ने कराया, इलेक्शन कमीशन है, तो वो क्या इलेक्शन होगा? अच्छा ख्वाजा साहब, क्या करते हैं?